हेलो एवरीवन, दिस इज जसबीर हियर। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन और उसके टाइमिंग्स के बारे में। दोस्तों, आपको पता है, आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा कि जब वर्कआउट ख़त्म हो जाता है तो बहुत से लोग अपना प्रोटीन शेक पीते हैं। ये बड़ा मैटर करता है कि आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हो उसकी टाइमिंग क्या है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वर्कआउट ख़त्म होने के बाद प्रोटीन लिया जाता है ताकि आपके मसल्स की रिकवरी वहां से ही शुरू हो जाए, उसी वक्त से शुरू हो जाए। दोस्तों, हमारी बॉडी का एक प्रायोरिटी प्रिंसिपल है कि जब हमारी बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रिकवरी की आवश्यकता होती है तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो उस एरिया को रिपेयर करने में लग जाता है। जो भी न्यूट्रिशन आप खाते हो वो सबसे पहले उस एरिया में जाता है जहां पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चेस्ट लगाई और चेस्ट लगाने के बाद आपने प्रोटीन शेक पी लिया, तो जो प्रोटीन शेक है, जो उसके न्यूट्रिशन है, वो ट्रैवल करके जाता है, उस मसल को रिकवर करता है, रिकवर करने में हेल्प करता है जिसको आपने अभी अभी टॉर्चर किया है, जिसको अभी अभी ट्रेन किया है। तो इस तरह से यहां से समझ में आता है कि टाइमिंग की बड़ी जरूरत है न्यूट्रिशन की। सो इसी तरह से बाकी चीजें मैटर करती है, जैसे वर्कआउट से पहले क्या खाना है। बहुत से लोग पूछते हैं वर्कआउट से पहले मुझे क्या खाना चाहिए। देखो, हम जिम में जाते हैं वर्कआउट करने के लिए और वर्कआउट अच्छा करना हमारी पहली प्राथमिकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्कआउट अच्छा कैसे होगा, जब आपकी बॉडी में एनर्जी होगी, जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन होगा, जब आपकी बॉडी में ताकत होगी अच्छे से वर्कआउट को परफॉर्म करने की। और यहाँ पे काम आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जैसे ओट्स हो गए, शकरकंदी हो गई। ये चीजें जब आप वर्कआउट से पहले खा के जाओगे तो आपका वर्कआउट अच्छे से लगेगा। और फिर आप अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद अगर प्रोटीन शेक लेते हो या अंडे खाते हो तो आपके उन मसल्स को रिकवरी मिलेगी और वो मसल्स पहले से बेहतर हो जाएंगे। बहुत से लोग जिम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है उनके अंदर एनर्जी नहीं है, उनके अंदर जोर नहीं है, ताकत नहीं है, और वो ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं और दुनिया भर की चीजें। लेकिन वहां पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाकर आप अपनी एनर्जी को इतना कर सकते हो, आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। फिर इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज होती है कि वर्कआउट अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हो तो आपके वर्कआउट के बाद आपका पहले हो गया प्रोटीन शेक, उसके बाद वाले तीन मील में कम से कम हर मील में 20-30 ग्राम प्रोटीन आप कंज्यूम करो, ताकि वो जो रिकवरी की आवश्यकता है वहां पे प्रोटीन की कमी महसूस ना हो बॉडी को, और बॉडी एनाबॉलिक स्टेज में रहे और मसल्स को रिकवर लगातार करती रहे। जो लोग इवनिंग में वर्कआउट करते हैं उन्हें दिन भर अपना प्रोटीन बैलेंस करके रखना पड़ेगा, तो सुबह से लेके जब तक वो जिम जा रहे हैं तब तक उनको सभी मील्स में अपने प्रोटीन को इक्वली स्प्रेड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की आवश्यकता 150 ग्राम प्रोटीन की है और वो जिम जाने से पहले 5 मील खाता है तो उसको हर मील में 30 ग्राम प्रोटीन रखना पड़ेगा, और इस तरह से वो 150 ग्राम प्रोटीन अपना पूरा कर सकता है। या वो 4 मील खा ले और वर्कआउट के बाद वो 30 ग्राम प्रोटीन ले ले। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको अपना प्रोटीन हर जगह पे बराबर स्प्रेड कर देना चाहिए ताकि लगातार बॉडी को प्रोटीन मिलता रहे और बॉडी रिकवरी मोड में बनी रहे, एनाबॉलिक स्टेज में बनी रहे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डिनर के बारे में। तो समटाइम्स क्या होता है कि लोग डिनर हैवी कर लेते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, फिर वो जब सो नहीं पाते तो वो अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, और मोबाइल लेके बैठने पर उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और उनकी नींद बहुत ख़राब हो जाती है। बिकॉज जब आपने एक बार मोबाइल ऑन कर लिया तो आपको नहीं पता कि 2 घंटे 3 घंटे कैसे निकल गए। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि अगर आपका मील हैवी है तो सोने से 2 घंटे पहले आप अपना मील खा लीजिए। अगर आपका मील लाइट है फिर कोई चक्कर नहीं है, आप 1 घंटा पहले मील खा लो, सोने से 1 घंटा पहले आपको नींद आ जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि 2 से 3 घंटे पहले आप अपना मील खाएं ताकि आपको नींद अच्छे से आए, क्योंकि अगर आप बेड में घुस गए फिर आप अपने फोन को मत हाथ लगाओ, कोशिश करो कि आप सो जाओ अच्छे से ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर ले, अपने हॉर्मोन्स वगैरह ठीक कर ले, और सुबह जब आप उठो तो पूरी तरह चार्ज्ड होके उठो। और फिर आपको पूरे दिन भर अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, आपने फिर जाके जिम में एक्सरसाइज भी करनी है, तो उसके लिए नींद बड़ी जरूरी है।
एक और चीज है दोस्तों, पानी की बड़ी बात करते हैं लोग कि पानी कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि पानी जब आप जिम जा रहे हो अपने साथ कम से कम 1 लीटर पानी कैरी करो, उसको सिप सिप करो वर्कआउट के दौरान। वर्कआउट खत्म होने के बाद थोड़ा सा पानी पियो, मील के साथ किसी भी मील के साथ आप हल्का सा पानी पियो, थोड़ा सा पानी पियो, लेट से आधा ग्लास पानी। तो अभी सर्दियां हैं तो लोग कहते हैं कि हमें वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हो तो यार इतना तो आप कर ही सकते हो। बाकी अगर आपका कोई डाउट है न्यूट्रिशन को लेके, टाइमिंग्स को लेके, प्रोटीन को लेके या किसी भी चीज़ के लिए, तो कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी हो सके मैं हेल्प कर सकूं। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।